सब टीवी का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर है कि इस शो की सबसे चर्चित अदाकारा दया बेन यानी कि दिशा बकानी ने शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बता दें कि दिशा पिछले 10 सालों से इस शो के साथ जुड़ी हुई थी। दिशा पिछले एक साल से ज्यादा समय से मैटरनिटी लीव पर थे है। जी हाँ, अक्टूबर 2017 में उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि दिशा जल्द ही शो का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन मार्च 2018 में दिशा ने मेकर्स को से कहा कि वो अभी रेडी नहीं है। लेकिन उस समय दिशा वकानी ने अपने बयान में कहा था कि वह शो में आने के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। आपको बता दें, दिशा ने साल 2015 में मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट मयूर पांड्या के साथ शादी की थी और अब खबर है कि दिशा वकानी ने शो को अलविदा कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिशा के तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में ना लौटने के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो खुद दिशा ही है। दिशा ने इससे पहले शो में वापसी को लेकर बयान दिया था कि वह अपने बच्चे का देखभाल करना चाहती हैं, जिसके कारण वह शो में दोबारा आने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वहीं दूसरी रिपोर्ट की माने तो शो के मेकर्स और दिशा बकानी के बीच कुछ आर्थिक कारण माना जा रहा है। शायद दिशा वकानी इस शो में दोबारा वापसी के लिए ज्यादा फीस चाह रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वापसी के लिए दिशा ने फीस बढ़ा दी है। मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले दिशा हर एपिसोड का 1,25,000 रुपए चार्ज करती थी, लेकिन वो अब 1,50,000 रुपए मांग रही हैं, क्योंकि मेकर्स उनकी किसी भी कीमत पर वापसी चाहते हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।